Hello everybody, this is Dr. Ayesha Uquaily. I'm the consultant psychiatrist currently practicing in Karachi. I would first of all introduce myself briefly. It's been 18 years I have worked in the field of psychiatry. After doing my FCPS from Pakistan years ago, I went to Ireland. Wahan jaake maine apni basic training ki, apni practice ki, and then I did my membership from Royal College of Psychiatrists in London. और अभी कुछ ही महीने पहले मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ ताकि मैं अपने लोगों के दरमियान रहकर अपना काम कर सकूँ. I'd also like to thank Dr. Saima Salman, who is the consultant ED Indus Hospital, for believing in me. It was her suggestion that I should speak to the medical residents. We hope that it helps them. हम सब जानते हैं कि इस वक्त medical personnel के अंदर ये anxiety prevail कर रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसी तरह है कि वो doctors जो कि directly corona patients के साथ deal कर रहे हैं उनके अंदर anxiety देखी गई है. मैंने बहुत सारी talks दी हैं लेकिन जितनी भी मेरी talks हुई हैं उसमें mostly मैं general population से बात कर रही हूँ. ये पहली दफ़ा है कि मैं medical resident से बात कर रही हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस वक्त मैं तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ, तमाम medical personnel से, nurses हों, staff हो, doctors हैं, seniors, juniors, सब जो कि front line पे इस वक्त हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं. वी आर रियली प्राउड ऑफ़ यू एंड यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. सबसे पहले तो ये है कि हम सब जानते हैं कि वी आर फेसिंग द बिगेस्ट ग्लोबल क्राइसिस एट द मोमेंट एंड स्ट्रेस एंड एनजाइटी आर एट इट्स पीक. एंड आई वुड से इट्स अ वेरी नेचुरल एंड एन एक्सपेक्टेड रिएक्शन. बल्कि इन हालात में एनजाइटी ना होना मेरे ख़्याल से नॉर्मल नहीं है. जब भी हम क्राइसिस की सूरत हाल में होते हैं तो ज़हनी इंतशार होना, घबराहट होना, खौफ व हिरास होना एक फितरी अमल है और ये किसी हद तक नॉर्मल भी है और हेल्दी भी है. हेल्दी इसलिए कि जब हम एंशियस होते हैं तो हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं उससे कम्बैट करने के लिए. जो चीज़ भी हमें स्ट्रेस या घबराहट देती है फितरी तौर पे हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कोई हल तलाश करते हैं, उस प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ये हेल्दी एनजाइटी कहलाती है. पैथोलॉजिकल ये एनजाइटी उस वक्त बन जाती है जबकि ये स्ट्रेस, ये फियर या ये एनजाइटी हमें डोमिनेट करने लगे, ओवरवेलमिंग हो जाए और हमारे आउटपुट को, हमारी डेली लाइफ्स को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ सब उससे मुतासर होना शुरू हो जाए. जैसे यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगी. एनजाइटी में ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े टिपिकल से सिम्टम्स हों लाइक पैल्पिटेशंस और ट्रेमर्स हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है और पेट में एक अजीब सी फीलिंग हो रही है. ज़रूरी नहीं है ये हो. एनजाइटी कभी कभी सिर्फ लैक ऑफ स्लीप से भी प्रेजेंट करती है, यानी आपको नींद ना आए और ज़हनी इंतशार हो, आपको घबराहट फील हो, आप चीज़ों पे फोकस न कर पाएँ, आपकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाए. अब उससे क्या होता है, जब आप रात में सोते नहीं हैं तो आप सुबह काम पे जाते हैं, आप थके थके होते हैं. अगर आप पे थकन हावी हो जाती है तो अपना काम आप उस खूबी से नहीं कर पाते, आपका आउटपुट इफ़ेक्ट होता है. एज़ अ रिज़ल्ट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और उस फ्रस्ट्रेशन का आपके मूड पर इफ़ेक्ट होता है, यू गेट डिप्रेस्ड. फिर आप इसी परेशानी में घर पहुंचते हैं और फिर आप ओवर वरी करते हैं, यू थिंक अबाउट व्हाट्स बीन हैपनिंग ऑल डे एंड देन यू आर अनएबल टू स्लीप. दूसरी सुबह आप उठ रहे हैं वैसे ही थकन के साथ, तो ये एक विशियस सर्कल बन गया. तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये विशियस सर्कल कैसे बन रहा है. एनजाइटी से शुरू हो रहा है और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, वर्स होता जा रहा है. अच्छा, ये तो हो गए हमारे ऊपर, हमारे जहन पे, हमारे जिस्म पे एनजाइटी के इफ़ेक्ट्स. फिर आते हैं इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट्स. स्ट्रेस जब आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होगी. वी ऑल नो एज पीपल बिलोंगिंग टू दिस फील्ड कि अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो वी आर मोर वल्नरेबल टू गेट द इन्फेक्शन. एज इन टूडेज केस, आजकल जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से हमें अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है. तो अगर स्ट्रेस लेंगे तो इम्यूनिटी ख़राब होगी, चाहे आप कितना भी हेल्दी खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रेस ले रहे हैं.
चलें अब तक तो हमने ये बात कर ली कि एनजाइटी में क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि एनजाइटी हो क्यों रही है। देखें डॉक्टर्स में तो ये बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है कि एनजाइटी के सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो अपने सामने लोगों को सफ़र करते हुए देख रहे हैं, अपने सामने लोगों की डेथ्स देख रहे हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है, ऐसा लगता है चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। और उसकी भी यही वजह है कि ये कोरोना वायरस हमारे लिए एक नई चीज़ है, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में ऐसे हैं जिनके अभी तक हमारे पास जवाब नहीं है। फिर अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हमें नहीं पता ये वायरस कब तक चलेगा, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन एनी सिचुएशन। अनसर्टेनिटी के बाद दूसरा बड़ा कॉज है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमें हर तरफ से जो न्यूज़, जो पोस्ट्स, जो अलर्ट्स मौसूल हो रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे अंदर एक एनजाइटी को इंड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचती है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि इस वक्त स्पेन में क्या हो रहा है, इस वक्त इटली में क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, आप अपनी लोकल हालात से अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, लेकिन कॉन्स्टेंटली पूरा दिन सोशल मीडिया के साथ रहना या न्यूज़ सुनते रहना, मैसेजेस पढ़ते रहना, दिस इज़ नॉट राइट। लिमिट दैट टू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड टाइम्स ऑफ द डे। कम कर दें इस पे इसका एक्सपोजर अपने ऊपर, टाइमिंग्स फिक्स कर लें, अच्छा दिन के ये टाइमिंग्स मैंने सिर्फ चेक करनी है न्यूज़ एंड ब्रीफली, दैट्स इट। Studies have shown that people who have stayed away for hours from social media and news and everything, they have managed their anxiety really well. Let's discuss now ki hum aur kya kare ki aajkal jin halaat se hum guzar rahe hain aur jin emotions se hum guzar rahe hain unko hum kis tarah deal kare aur in is situation se cope kis tarah kare. How can I separate my emotions from the facts? For a physician to be maximally effective and to be able to listen to his patients and the attendants, to be able to make right and timely decisions, to empathize with the people around him, he needs to be well physically and mentally himself. First of all, we need to validate our feelings. आप जो भी फील कर रहे हैं, whether you are feeling sad or unhappy, whether you are feeling fearful, angry, guilty, hopeless, helpless, whatever you feel, you have to validate कि it's a genuine feeling. देखें डॉक्टर्स के अंदर सिर्फ ये फियर नहीं है कि उनको ये लगता हो कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना लग जाए, डॉक्टर्स के अंदर एक गिल्ट भी देखा गया है, उन्हें ये लगता है कहीं वो वायरस ये लेकर अपने घर ना चले जाएं, अपने प्यारों को इन्फेक्ट ना कर दें, उनके अंदर ये खौफ भी होता है कि वो पेशेंट्स ना लूज़ कर लें। उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एट एनी पॉइंट, बट दिस इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन जिसमें ये एक चीज़ है जो एक्सपेक्टेड है, ये तो होता है क्राइसिस सिचुएशन में। तो जब आप वैलिडेट करेंगे और अपने आप से पहले ये कहेंगे कि ओके दैट्स ऑल राइट, ये क्राइसिस सिचुएशन में होना नॉर्मल है और ये जेन्युइन है, जब आप वैलिडेट करते हैं इन फीलिंग्स को, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो एक्सेप्ट करने का होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर इन अ क्राइसिस सिचुएशन, डिनाइल इज़ नो सोल्यूशन। ओनली व्हेन यू accept that it's a crisis situation, then you will move on to the problem solving stage. Once you validate your feelings, you accept the situation, then you have to reassure yourself. खुद को reassure करें कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप humanity को कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आपकी ज़ात से कितने लोगों को benefit हो रहा है। Remember, giving is power and giving is happiness. आपका टाइम आप दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी नॉलेज दे रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं, कितना कुछ दे रहे हैं आप लोगों की जानें बचा रहे हैं। और आप ये देखें कि ये फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो इससे क्या होगा, जब आप इस तरह ख़ुद को रीअश्योर करेंगे तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे,
जो आपको फर्दर एनर्जी देगी. विद दिस एनर्जी आप अपने आप से ये कहें कि ओके फाइन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर एंड इट्स देयर फॉर अ पर्पस. लाइक यू सी सोल्जर्स जब वो वॉर में जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि हम सब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस काम के लिए जा रहे होते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं अपनी नेशन के लिए. तो आप सोचें उस सूरत में अगर वो खौफजदा हो जाएं तो क्या हो. तो इस वक्त डॉक्टर्स बिल्कुल उन सोल्जर्स की तरह हैं जिन्होंने अपने ऊपर फियर को तारी नहीं होने देना, स्ट्रेस को तारी नहीं होने देना. अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. यहाँ आपने क्या करना है, यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ बाय डेवलपिंग स्किल्स एम्ड एट इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू रिलैक्स, टू फोकस मोर ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, टू ब्रेक द चेन ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. आप मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, जो वर्कआउट करो, योगा करो, इससे आपकी एबिलिटी टू रिलैक्स विल इंक्रीज. फिर उसके बाद यू नीड टू गेट गुड अनइंटरप्टेड स्लीप. दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कीप योर नर्व्स इंटैक्ट. फिर ये कि जैसे आजकल बहुत लंबी लंबी शिफ्ट्स हैं, वर्कलोड भी बढ़ा हुआ है, देन यू शुड गेट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इन बिटवीन. यू शुड हैव पीपल टू रिलीव यू. There should be some relievers who could back up और आप breaks ले सको बीच में, rest and breaks. याद रखें अपने आप को burn out नहीं करना, fatigue में नहीं जाना. And please surround yourself with positive people. ऐसे लोग जो कि उम्मीद दिलाएं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा worry ना करते हों, उनके साथ रहें और उनके साथ discuss करें. आप अपने emotions को, अपनी feelings को express करें. जो लोग बहुत वरी करते हैं, बहुत फिकर करते हैं, ऐसे लोग हमेशा आपका टेंशन में इजाफा करेंगे. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इतना ज़रूरी है कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस आर लिटरली लॉज्ड इन द बॉडी, जिस्म के किसी भी हिस्से को इफ़ेक्ट कर सकती हैं और उसके नतीजे में कभी आपके सर में दर्द, कभी चेस्ट में, कभी बैक एक, कभी बॉडी के कोई हिस्सा भी इफ़ेक्ट हो सकता है. ये पेन्स एंड एक्स होना शुरू हो जाते हैं. सो यू नीड टू टॉक. ये सारी चीज़ें करने के साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने आप को पर्सनली बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपके पास पीपीई है. आप देखें ये सारी चीज़ें करने के साथ यू वुड फील अ लॉट कामर एंड मोर एनर्जाइज्ड. याद रखिएगा कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर एग्जॉस्ट्स यू मेंटली, especially in times like today where we are facing a pandemic and work demand is more than usual, working shifts are longer. But it's okay, it's not going to stay the same forever. Dusron ko bhi hausla dein, khud ko bhi hausla dein, and we'll fight together inshallah. Thank you very much.